हर ने जह द्वार बनाया है। उस शुचि पुण्य गंगा तट पर माँ कुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, चलो मेरे संग माँ कुंभ कुंभ, चलो मेरे संग माँ कुंभ, चलो मेरे संग माँ कुंभ। किसी को जटाएं दे देते हैं अपनी, तो किसी को दाढ़ी। हमको भगवान शिव ने अपनी दाढ़ी दे दी है। हमारा नाम महेंश्री नागावा विक्रमपुरी, श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा। हमारा आश्रम जिला मुरादाबाद, थाना कुंदरकी, तहसील बिलारी, ग्राम सौंदा, श्री शिव चामुंडा आश्रम। देखिए, हमारे जब से संस्कार हुआ है, जब से हमारी ये दाढ़ी बढ़नी चालू हुई है, और ये सब भजन का प्रभाव है, तपस्या का फल है। इसमें कोई केमिकल या साबुन या तेल या किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं है। महाराज जी, यह किस प्रकार की तपस्या है कि जैसे बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, तो यह हठ योग में आता है या किस प्रकार की तपस्या है, इसको किस प्रकार से इसको हम संज्ञा प्रदान करेंगे? देखिए, ये किस ऐसा कुछ नहीं है, हठ योग या उसमें नहीं है, ये तो कुदरती बढ़ता है। ये भगवान शिव का श्रृंगार है, ना पता किस पे वो प्रसन्न हो जाएं और किस को अपना स्वरूप दे दें। किसी को जटाएं दे देते हैं अपनी, तो किसी को दाढ़ी। हमको भगवान शिव ने अपनी दाढ़ी दे दी है, और ना पता कितनी बढ़ेगी और कहां तक बढ़ेगी, इसका तो ज्ञात गुरु महाराज साक्षात गुरुदत्त भगवान ही जानते हैं, हम नहीं। महाराज जी, इसका कोई संकल्प नहीं है अभी जी? नहीं, कि कब तक ये बढ़ती जाएगी या निकाल के बैठ, ये कब तक बढ़ेगी? जब तक जीवन शरीर में ये श्वास, जब तक ही रखेगी, जब तक चलेगी, शरीर के साथ समाने के बाद साथ ही समा जाएगी। महाराज जी, आप नागा साधु भी हैं, आप नागा साधु क्यों बने? सुनिए राम जी, हम नागा साधु बने मोक्ष पाने के लिए, ठीक, भक्ति करने के लिए, संसार को मार्ग धर्म का मार्गदर्शन दिखाने के लिए। नागा बनने के बाद में, संत बनने के बाद में, वेद पुराण गीता सब में लिखा हुआ है कि अगली और पिछली 7 पुस्तकें उद्धार हो जाती हैं। जिस घर से एक नागा साधु की उत्पत्ति होती है, उस घर की 7 पुस्तकें अगली और पिछलियों का उद्धार हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर जाती है। महाराज जी, इसे प्राप्त मोक्ष होता है जी, ये उद्देश्य, जीते जी मुक्ति मिल जाती है, साक्षात जीते मोक्ष मिल जाता है, जीते इसका उद्देश्य ही मोक्ष का होता है जी। अच्छा महाराज जी, जैसे रुद्राक्ष भी आपने धारण किए हुए जी, तो रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं, इनकी महिमा क्या है रुद्राक्ष की? रुद्राक्ष जो है, भगवान शिव के अस्त्र से उत्पत्ति हुई है, ये मुक्ति का फलदायक है, मोक्ष का फलदायक है, सुख शांति ईश्वर भय ईश्वर्य यश कीर्ति को प्रदान करता है। रुद्राक्ष से शोभा बढ़ती है, रुद्राक्ष भजन भी होता है, इससे भगवान को अति प्रिय है शिव को, इसीलिए हम लोग इसको धारण करते हैं जी। महाराज जी, ये जो तपस्या है, जैसे अपना जीवन नागा के रूप में समर्पित कर देना जी, सन्यासी हो जाना, तो ये इससे प्राप्त क्या होता है, क्यों करते हैं ये तपस्या? आवागमन से छूटने के लिए, आवागमन से संसार में दोबारा हमको ये मानस योनि प्राप्त ना हो, मृत लोक में इस नरक में बार बार आना जाना ना पड़े, क्योंकि जो माँ के गर्भ में जब जन्म होता है, उसमें 9 मास नरक में रहना पड़ता है, वहाँ कितना कष्ट होता है, वो कोई एक आम आदमी बाहर आके अनुभव नहीं कर सकता, उसको ना ही सहन कर सकता है और ना ही उसको बता सकता है, क्योंकि विष्णु में माया मोहनी जो है वो उसको भ्रमण कर देती है, और वो बाहर आके मोह माया में पड़ के सब कुछ भूल जाता है। जिसको परमात्मा चाहे, भगवान चाहे, गुरु महाराज चाहे, वही इस सब मोह माया से बचकर इस नागा पंथ में आ जाता है। सब पे कृपा थोड़ी होती, संसार है, संसार संन्यास थोड़ी बन जाएगा, लाखों करोड़ों में एकाध साधु बनता है। महाराज जी, जैसे ये भभूति लगाते हैं, भभूति या भस्म इसको कहें जी, या राख कहें, कुछ भी कहें महाराज जी, तो ये इसको
शरीर पर धारण करने का क्या महत्व है? जैसे आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं, ऐसे ही हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं। ये हमारा स्वरूप वस्त्र है, श्रृंगार है हमारा। भगवान शिव को भभूत लगा के रहते थे, भस्म लपेट संसार कपड़े वस्त्र पहनते थे, इसीलिए हम लोग भी नहीं पहनते हैं। यही हमारा वस्त्र है, यही हमारा रूप है, यही हमारा श्रृंगार है। जी महाराज जी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धूना लगा हुआ है, त्रिशूल है, तो ये त्रिशूल साथ में रखने का और ये त्रिशूल साथ में होता है, साथ साथ भगवान शिव का स्वरूप है, ये सब भगवान शिव का स्वरूप है। धूना हवन करने के लिए है, त्रिशूल भगवान शिव का है, ये धर्म की रक्षा के लिए है। जी महाराज जी, आपसे बात हुई तो एक प्रश्न आया कि जो आप जीवन जिस जीवन का अनुभव करते हैं, तो इस जीवन का अनुभव करने के लिए जो साधारण आदमी है, जो जनमानस है, उनको ये जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इस आनंद को, इस जीवन को जीने के लिए सब प्रथम उन्हें सतगुरु की खोज करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा शिक्षा दीक्षा लेकर मार्गदर्शन जो बताएं उस मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। चलने से ही सुख और शांति और ये आनंद अनुभव प्राप्त होता है। गुरु होना कितना आवश्यक है जीवन में? जैसे कि मृत्यु के पश्चात जिंदगी, जैसे मनुष्य अपने जीवन को अति प्रिय अमूल्य समझता है, हैं मृत्यु से ज़्यादा, वैसे ही एक मनुष्य के लिए गुरु की आवश्यकता उतनी, उससे 10 गुना ज़्यादा है।